मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए और बहुत ज़्यादा नेसेसरी थ्रेड नुमा और ग्रेन्यूलर स्ट्रक्चर्स होती है, जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नाम दे दिया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है, माइटो का मीनिंग है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मीनिंग है ग्रेन्यूल। सेल का संपूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल ग्रुप विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कॉन्ड्रियोसोम, प्लास्टोसोम, प्लास्टोकॉन्ड्रिया, प्लास्टोकोन्स, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कॉन्ड्रियोप्लास्ट। फिजियोलॉजिकली इन्हें सेल का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऐसी बायो केमिकल मशीन है जिनमें ऑक्सीडेशन की क्रिया के द्वारा फूड स्टफ्स में जो निहित ऊर्जा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बदलती रहती है, जिसका उपयोग कोशिका अपनी समस्त जैविक क्रियाओं को संपन्न करने में काम लेती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है वह है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जो कि क्रेब साइकिल तथा ETS के द्वारा संपन्न होता है तथा ऊर्जा ATP के रूप में संश्लेषित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया रेड ब्लड कॉर्पसल्स को छोड़कर के सभी यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाई जाती हैं, और लेकिन प्रोकैरियोट में ये माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहते हैं, इसलिए इनमें फूड स्टफ्स का ऑक्सीडेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित एंजाइम्स अथवा मीजोसोम्स के में पाए जाने वाले एंजाइम्स के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की मॉर्फोलॉजी। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया वे ऑर्गेनिल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये एनर्जी ट्रांसड्यूसिंग सिस्टम होते हैं जो कि केमिकल एनर्जी जो कि फूड स्टफ्स के अंदर प्रेजेंट होती है उसे ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन के द्वारा हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड यानी ATP के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को लिविंग सेल के अंदर ऑब्जर्व किया जा सकता है, और इनकी विजिबिलिटी को वाइटल स्टेन जेनस ग्रीन की सहायता से देखा जा सकता है, और ये पैसिव और एक्टिव मोशन को डिस्प्ले करती हैं और अपनी आकार और आकृति के अंदर परिवर्तन करते हैं अपने फंक्शंस के दौरान। माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्वेलविंग है उसे इंड्यूस कराया जा सकता है कैल्शियम प्लस टू आयन की सहायता से और कुछ हार्मोन्स और कुछ ड्रग्स की सहायता से। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो स्टडी है या फिर जो मॉर्फोलॉजी है उसका अध्ययन फिक्सेशन के बाद में किया जा सकता है, और ये मेनली रोड शेप्ड स्ट्रक्चर होती हैं जो कि 0.5 माइक्रोमीटर और इनकी जो लेंथ है वो 7 माइक्रोमीटर तक इंक्रीज हो सकती है, और लिवर सेल के अंदर इनकी संख्या 1000 से लेकर के 1600 तक हो सकती है, और ऊसाइट्स के अंदर इनकी संख्या 300,000 तक हो सकती है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर एनिमल सेल की तुलना में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एनर्जी सप्लाई पर डिपेंड करता है कि जिस सेल के अंदर एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं, और इनका किसी सेल के अंदर जो ओरिएंटेशन है उसे इन्फ्लुएंस किया जा सकता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के ऑर्गेनाइजेशन और वैक्यूलर सिस्टम की सहायता से। अब जैसे हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जब स्ट्रक्चर देखते हैं यानी जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से जब इसे देखते हैं तो यहाँ पर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स दिखाई गई है। जैसे सबसे पहले जब हम देखते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया बाईलेमिलर स्ट्रक्चर है, आउटर और इनर दोनों मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में जो है प्रोटीन लिपिड प्रोटीन स्ट्रक्चर के रूप में होती है,
और इनकी जो आउटर मेम्ब्रेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर लिमिटिंग लेयर बनाती है, और जिसके द्वारा जो दूसरे सेल के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनेल हैं वो सेल सैप से अलग रहते हैं। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो 50 से 70 एंगस्ट्रम मोटी होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया के सेंट्रल स्पेस में फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स बनाती है। इन्हें माइटोकॉन्ड्रियल क्रेस्ट या फिर क्रिस्टी कहा जाता है। यह सॉल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे सुक्रोज और कुछ आयंस के लिए इम्परमेबल होती हैं। देन उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रियल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का मीनिंग है कि जो इनर चैम्बर है उसके अंदर जेली जैसा प्रोटीन सब्सटेंस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। ये होमोजीनस होता है और कुछ अवस्थाओं में यह अति सूक्ष्म और घनी कणिकाओं के रूप में भी होता है, और इनका जो मुख्य कार्य है वो मैग्नीशियम और कैल्शियम आयन के लिए बॉन्डिंग साइट्स की तरह कार्य करना होता है। इसके अलावा मैट्रिक्स के अंदर 70S राइबोसोम, आरएनए तथा एक या एक से अधिक डीएनए मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो सर्कुलर होता है, और मैट्रिक्स में डीएनए तथा प्रोटीन सिंथेसिस में काम आने वाले एंजाइम्स तथा क्रेव साइकिल में काम में आने वाले कुछ घुलनशील एंजाइम भी पाए जाते हैं। यहाँ पर ईटीएस किस तरह से संपन्न होता है उसे भी दिखाया गया है। अब यहाँ पर क्रिस्टी जो रेट लीवर है उसकी माइटोकॉन्ड्रियन के अंदर क्रिस्टी की स्ट्रक्चर को यहाँ पर दिखाया गया है। वैसे क्रिस्टी को जब हम देखते हैं तो कुछ ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है जो कि आंतरिक कक्ष में फैले रहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का वह समस्त भाग जो आंतरिक कला द्वारा आबद्ध रहता है उसे माइटोप्लास्ट कहते हैं, और जो क्रिस्टी है उसकी दो सरफेस होती है। बाहर की ओर जो सरफेस है उसे साइटोसोल या सी फेस, और मैट्रिक्स की साइड जो फेस है उसे एम फेस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ F1 पार्टिकल्स भी पाए जाती हैं। यानी अगर नेगेटिव स्टेनिंग की सहायता से देखा जाए तो F1 पार्टिकल यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसकी जो एम फेस है उसके ऊपर कुछ 80 से 100 एंगस्ट्रम लंबे कुछ स्ट्रोक से जुड़े हुए पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें F1 पार्टिकल कहा जाता है। और ये आउटर मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे भी कुछ पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो कि नॉन स्टॉक्ड होते हैं, और मेनली इन पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम्स बोला जाता है, और इनका जो मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीडेशन करना होता है। यानी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हेतु कुछ एंजाइम्स हैं, और माइटोकॉन्ड्रियल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेटेज एंजाइम्स होते हैं, और कुछ जो है ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स होते हैं यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पार्टिकल भी यहाँ पर होते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो F1 पार्टिकल्स हैं उसके साथ में रेस्पायरेटरी चेन उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और रेस्पायरेटरी चेन के अंदर बहुत सारे जो है वो कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, और जो कि ईटीएस के अंदर काम करती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर जो कि मैं बता चुकी हूँ कि किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर थी। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे दो कंपार्टमेंट थी मैंने बताया, और इन दोनों के बीच में मैट्रिक्स थी, और हमने जो है क्रिस्टी के बारे में देखा कि भी क्रिस्टी की स्ट्रक्चर कैसी है और क्या काम कर रही है। देन अब आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस क्या क्या हो सकती हैं। जो मेन इम्पॉर्टेंट कार्य है माइटोकॉन्ड्रिया का वो ये है कि एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर
ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन जैसी क्रियाएं होती हैं, और जिसकी सहायता से जो सेल्युलर मेटाबॉलिज्म है उसे रेगुलेट किया जाता है। और यहाँ पर मेनली जो एटीपी प्रोडक्शन है उसके लिए ये सेंट्रल सेट होता है रिएक्शन का, जैसे सिट्रिक एसिड साइकिल है या फिर क्रेव साइकिल है, वो यहाँ संपन्न होता है जिसकी सहायता से एटीपी का सिंथेसिस होता है। उसके अलावा रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो है उनकी सिग्नलिंग करना, देन उसके बाद में आता है कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो है उनकी रेगुलेशन के लिए काम में आना, एपोप्टोसिस के अंदर हेल्प करना और कैल्शियम सिग्नलिंग के अंदर हेल्प करना और सेल्युलर मेटाबॉलिज्म के अंदर हेल्प करना, देन आता है कि हीम सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर भी हेल्प करना, देन उसके बाद में आता है स्टीरॉयड सिंथेसिस के अंदर भी हेल्प करना। अब यहाँ पे है कि जैसे हार्मोनल सिग्नलिंग यानी हार्मोन का जो सिग्नल्स हैं माइटोकॉन्ड्रियल जैसे इस्ट्रोजन रिसेप्टर्स है या फिर कुछ और जो टिश्यूज़ हैं वहाँ पर जैसे कि ब्रेन है और हार्ट है, तो इनके लिए भी है एटीपी सिंथेसिस के लिए जो वो हेल्प करना। उसके अलावा सीड जर्मिनेशन के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर के रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देती हैं, और जो अवम है उसके अंदर पाए जाने वाले माइटोकॉन्ड्रिया जो है अधिक मात्रा में योग प्रोटीन का संचय करते हैं जिसकी वजह से उसे योग प्लेटलेट्स में बदलते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल जो मेम्ब्रेन्स है वो कैल्शियम प्लस टू, एन जी प्लस टू और फॉस्फेट आयन के सक्रिय ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं। और जब स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया एक साथ जुड़ करके एक्सियल फिलामेंट के चारों ओर माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल बनाने का काम करती हैं। थैंक यू।